दिस इज क्रॉसबीट एंगेज एंड क्रॉसबीट की तरफ से एक नया स्मार्ट वॉच जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है। एंड ये वाला स्मार्ट वॉच का जो लॉन्च प्राइस था 1999 रुपीज, यानी 2000 के अंदर आपको एक ब्लूटूथ कॉलिंग वाला स्मार्ट वॉच वो भी क्रॉसबीट की तरफ से देखने के लिए मिलेगा। सो आज हम इसके अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर आप पैकेट देख सकते हो दोस्तों, काफी कम्पैक्ट एक पैकेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। सामने की तरफ यहाँ पर ब्रांड नेम दिया गया है इग्नाइट एंगेज, एंड पीछे की तरफ आपको कुछ फीचर्स देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ मेन फीचर्स हम आपको बता देते हैं, जैसे इसमें 1.7 इंच का लार्ज HD डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा। ब्लूटूथ कॉलिंग अवेलेबल है, काफी सारे वॉच फेसेस भी यहाँ पर दिया गया है, थिएटर मोड, हार्ट रेट, एंड यहाँ पर डुअल थीम का भी ऑप्शन है, ये भी हम चेक करेंगे क्या चीज है। वाटर रेजिस्टेंट है, IP68 यानी 580 mAh तक आप लेके जा सकते हो। मल्टी स्पोर्ट्स मोड है एंड 7 दिन तक आपको बैटरी बैकअप यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। सो लेट्स डू द अनबॉक्सिंग। ओके, सो बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले आपको यहाँ पर एक एडिशनल 6 मंथ की वारंटी का कार्ड देखने के लिए मिलेगा। इस वाले QR को स्कैन करके आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। एंड मैं आपको बता दूं, ये प्रोडक्ट खरीदने के आपको 10 दिन के अंदर इसको रजिस्टर करना है, अदरवाइज आप ये इसका लाभ उठा नहीं सकते हो। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट योर स्मार्ट वॉच फॉर फ्री, ये यहाँ पर एक स्क्रीन गार्ड भी देखने के लिए मिल जाएगा। सो इसको भी आपको QR को यहाँ पर स्कैन करके इसको रजिस्टर करके फिर आपको क्लेम करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक क्विक स्टार्ट गाइड भी देखने के लिए मिलेगा, एंड कैसे आपको ऐप के साथ कनेक्ट करना है ये यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसको भी ओपन कर लेंगे, एंड ये है हमारा स्मार्ट वॉच। एंड सच बताओ, देखने में काफी प्रीमियम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा भाई। इसका क्वालिटी काफी अच्छा है, एंड स्ट्रैप का भी फील होता है भाई, हाथ में फील होता है, सॉफ्ट है स्ट्रैप, बहुत ही सॉफ्ट है, बाकी स्मार्ट वॉच से काफी अच्छा यहाँ पर स्ट्रैप देखने के लिए मिल जाएगा। सो पहले हम स्ट्रैप की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 22 mm का रिमूवेबल स्ट्रैप मिलता है, ऐसे आप इसे रिमूव कर सकते हो यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हो सेंसर के एरिया जो है काफी अलग है, एंड मेरे को यहाँ पर काफी सारे स्क्रैचेस भी देखने के लिए मिले। मैंने सोचा था ये सच में स्क्रैचेस है, बट फिर मेरे को रियलाइज हुआ नहीं, इसके ऊपर एक हल्का सा प्रोटेक्टर लगा हुआ है। इस प्रोटेक्टर को आप पील ऑफ कर सकते हो ऐसे, तो आपको ओरिजिनल पीछे सेंसर देखने के लिए मिलेगा। सो यहाँ पर अगर स्क्रैचेस दिखे तो घबराना मत, क्योंकि ये प्रोटेक्टर का फिल्म हो सकता है। सो अब देख सकते हो काफ़ी स्टाइलिश है, लेकिन बिल्ड जो है ये प्लास्टिक है, पीछे भी प्लास्टिक लगाया गया है, यहाँ बीच में आपको ये भी प्लास्टिक ही है शायद। एंड ऑल्सो यहाँ पर एक क्राउन एंड बटन देखने के लिए मिलेगा, ये थोड़ी देर बाद पता करेंगे ये एक्टिव क्राउन है कि नहीं, क्योंकि एक्टिव क्राउन होगा तो ये इसको घुमाने में मतलब रोल करके भी आप कुछ स्क्रॉल कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको एक माइक्रोफोन का होल देखने के लिए मिल जाएगा, एंड यहाँ पर आपको स्पीकर देखने के लिए मिल जाएगा क्योंकि इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग अवेलेबल है। यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट भी देखने के लिए मिलेगा। ओके, सो लेट्स सी व्हाट एल्स यू कैन गेट इन द बॉक्स। ओके, सो यहाँ पर आपको एक चार्जर देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके वन साइड है USB A एंड दूसरे साइड ऐसे मैग्नेटिकली आपको घड़ी के साथ अटैच हो जाता है। देख सकते हो मैग्नेट काफी स्ट्रॉन्ग है, एंड बॉक्स के अंदर शायद एक यूजर गाइड देखने के लिए मिल जाएगा। हाँ, एक यूजर गाइड है, यूजर मैनुअल है, इसको आप पढ़ सकते हो, बट हमारे ये कोई काम का नहीं है। ओके, सो लेट्स टर्न इट ऑन। तो टर्न ऑन करते ही आपको क्रॉसबीट का लोगो सबसे पहले यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, एंड देख सकते हो इसका टाइम भी आ चुका है, एंड यहाँ पर इसको वॉच फेसेस भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड ये मेनू है, तो हम क्राउन भी देख लेते हैं इसका एक्टिव क्राउन है कि नहीं। सो ये एक्टिव क्राउन नहीं है, इसे आप प्रेस कर सकते हो जरूर, बट स्क्रॉल नहीं कर सकते इससे। सो एक चीज़ मैंने नोटिस किया, जब इस वाले वॉच को मैं मेरे फ़ोन के साथ कनेक्ट कर रहा था, तब मेरे को एक क्विक स्टार्ट गाइड जो है वो मिला, जहाँ पर लिखा हुआ है देखिए इग्नाइट एंगेज। तो यहाँ पर आपको QR स्कैन करके इसके ऐप डाउनलोड करना है, एंड यहाँ पर लिखा है डाउनलोड एंड इंस्टॉल CB एक्सप्लोर ऐप। तो इसके मैं लेंस निकाला, एंड इसको मैं स्कैन किया, एंड देख सकते हो यहाँ पर CB एक्सप्लोर ऐप दिया है, तो इसको मैंने डाउनलोड कर लिया भाई। तो देख सकते हो यहाँ पर CB एक्सप्लोर ऐप है। मजे की बात ये है, मैं बताता हूँ, जब भी मैं इसे सारा डिटेल्स मीटर्स फिल कर दिया, जब भी मैं यहाँ पर मेरे स्मार्ट वॉच कनेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पर मेरे स्मार्ट वॉच दे रहा है जो कि है इग्नाइट एंगेज। तो जब भी मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर आप मैसेज देख सकते हो, सॉरी योर स्मार्ट वॉच इज नॉट सपोर्ट बाय दिस ऐप, प्लीज कॉन्टेक्ट टू योर स्मार्ट वॉच वेंडर। तो भाई ये ऐप से ये वाला स्मार्ट वॉच कनेक्ट ही नहीं होने वाला है, जहाँ पर यहाँ पर क्विक स्टार्ट गाइड में इस ऐप के बारे में लिखा गया है। फिर मैंने इस वाले स्मार्ट वॉच में गया, एंड यहाँ से आप देख सकते हो एक QR का ऑप्शन भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एक QR मिलेगा। जब मैं इस वाले QR को स्कैन किया, तब मेरे को पता चला
भाई ये तो दा फिड वाले एप्लीकेशन से कनेक्ट होने वाला है, तो मेरे को पहले ही कुछ लग रहा था क्योंकि इसका जो UI है ये मैंने फायरबोल्ट के स्मार्ट वॉच में पहले ही देख चुके हैं एंड UI काफ़ी सिमिलर है। एंड ऐसे UI वाले घड़ी मैंने और भी पहले देख चुके हैं एंड जो कि फायरबोल्ट सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड वो सारे घड़ी ये दा फिड एप्लीकेशन से कनेक्ट होता है। सो एक ब्रांड की तरफ से ये बहुत ही बड़ी एक गलती है कि एक ऐसे क्विक स्टार्ट गाइड भेजना जहाँ पर आपको कोई दूसरे ऐप में कनेक्ट करने के लिए बोल रहा हो जो कि इस ऐप के लिए है ही नहीं। एंड ऊपर से क्विक स्टार्ट गाइड के ऊपर भी आप देख सकते हो इसका नाम भी लिखा हुआ है, इस वाले स्मार्ट वॉच का नाम लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही बड़ी गलती है मेरे ख्याल से, ऐसा तो एक्सपेक्ट हम भी नहीं किए थे। सो दा फिट एप्लीकेशन ऑलरेडी मेरे फ़ोन पे इंस्टॉल है, मैं इसे जल्दी से सेटअप कर लेता हूँ। एंड तब तक मैं बता दूँ, अगर आप ये वाला स्मार्ट वॉच खरीद रहे हो तो ऑब्वियसली दा फिट एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना। ओके, पहली बार अगर दा फिट एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर टू ऐड का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर जाके आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर जो भी परमिशन मांग रहा है उसको सारे को अलाउ कर देना है। एंड यहाँ पर देख सकते हो इग्नाइट एंगेज का ऑप्शन आ चुका है, सो इसको हम क्लिक करेंगे एंड बहुत इजीली हो जाता है, कनेक्शन में कोई मतलब झंझट नहीं है दा फिट एप्लीकेशन के साथ। सो देख सकते हो मेरा कनेक्ट हो चुका है एंड यहाँ पर आपको पेयर एंड कनेक्ट करना है फॉर ब्लूटूथ कॉलिंग को स्टार्ट करने के लिए। सो देख सकते हो सारे कुछ हो चुका है ऑलरेडी और बैटरी परसेंटेज भी आपको दिख रहा है 75%। ऐप के बारे में बताने से पहले मैं घड़ी के फीचर्स के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद हम ऐप में आएंगे। आप लेफ्ट से राइट स्वाइप करके यहाँ पर मेनू में आ सकते हो, हनीकॉम टाइप शेप का मेनू यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर से नीचे की तरफ आपको क्विक एक्सेस कुछ चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगा जहाँ पर आप ब्लूटूथ कॉलिंग का टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप मेनू व्यू जो है हनीकॉम से यहाँ पर आप 9 स्क्वायर मोड पे ला सकते हो, शायद इसको ही डुअल थीम वहाँ पर बोला जा रहा था जो भी पैकेट में लिखा हुआ था। यहाँ से आपको वेदर देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर डिवाइस का इन्फो देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर कुछ सेटिंग्स में आप जा सकते हो। यहाँ सेटिंग्स में यहाँ पर आपको ब्राइटनेस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जाके आप ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर फोन कॉल को ऑन ऑफ कर सकते हो, क्लियर डायल पैड जो ऑप्शन है यहाँ से अगर क्लियर करोगे तो आपको डायल पैड जो है रीसेट हो जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर रीसेट हो चुका है। यहाँ से वाइब्रेशन को आप ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब का भी ऑप्शन दिया गया, थिएटर मोड ऑन ऑफ कर सकते हो, वॉच फेसेस है उसको चेंज कर सकते हो यहाँ से। यहाँ पर 4-5 वॉच फेसेस आपको बाय डिफॉल्ट देखने के लिए मिल जाएगा, बाकी बहुत सारे वॉच फेसेस आप ऐप से भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर ऐप में जाके आपको यहाँ पर वॉच फेसेस में जाना है, वॉच फेसेस में जाके आप यहाँ पर एक एडिट ऑप्शन भी मिल जाएगा जहाँ से आप कस्टमाइज वॉच फेसेस सिलेक्ट कर सकते हो, आपके गैलरी से कोई भी इमेज यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो एंड उसे आप एज ए वॉच फेस यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर और भी कुछ कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, लाइक डेट का आप कलर वलर चेंज कर सकते हो, पोजीशन चेंज कर सकते हो टाइम डेट का। एंड यहाँ पे मोर वॉच फेसेस में जाके आप 100+ वॉच फेसेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, आप किसी भी वॉच फेसेस को डाउनलोड कर सकते हो एंड इसे अपनी वॉच फेसेस बना सकते हो। सो इस वाले स्मार्ट वॉच से आप हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड SpO2 मेजर कर सकते हो, ऑल्सो ये आपका स्लीप डेटा भी ट्रैक करते रहते हैं। सो यहाँ से हम हार्ट रेट मेजर करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग मैं किसी भी सरफेस के ऊपर रख के इसका हार्ट रेट मेजर करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक एरर मैसेज दिया है कि इसको हाथ में ही पहनना है, तो एक अच्छी बात है किसी भी सरफेस पे ये मेजर नहीं करता है। तो अभी मैं आपको हार्ट रेट भी चेक करके दिखा देता हूँ, इसके लिए हमारे पास एक ऑक्सीमीटर जो कि काफी एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 95 हो रहा है राइट साइड वाला जो है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 96-97 हो रहा है एंड यहाँ पर भी अभी 96 हो रहा है। सो काफी एक्यूरेट डेटा देता है ये वाला स्मार्ट वॉच। सो यहाँ पर देख सकते हो ऑक्सीजन लेवल जो है मेरे ऑक्सीमीटर में 98% है लेफ्ट साइड वाला है एंड यहाँ पर 99% दिखा रहा है, ये भी काफ़ी एक्यूरेट है। सो कभी भी अगर आपको ऑक्सीजन लेवल चेक करना है इमरजेंसी में तो ऑब्वियसली घड़ी के भरोसे मत रहिएगा, क्योंकि ये ओनली 95 से 100 तक दे सकता है आपका एक्यूरेसी, इसके नीचे नहीं दे सकता है आपको, ऑब्वियसली एक मेडिकल ग्रेड ऑक्सीमीटर की मदद लेना है। सो देख सकते हो रिजल्ट काफ़ी एक्यूरेट है, इसके अलावा भी आप इसमें ब्लड प्रेशर भी चेक कर सकते हो, बट ब्लड प्रेशर चेक करने का एक ही तरीका मेरे को मालूम है, वो है प्रेशर क्रिएट करके ब्लड प्रेशर चेक किया जाते हैं, पता नहीं घड़ी में कैसे चेक कर लेते हैं, मेरे ख्याल से ये एक्यूरेट नहीं है। देख सकते हो यहाँ पर जो मेरा BP दिखाया है 137/81 है, मैं दूसरी बार चेक किया अब देख सकते हो रिजल्ट 122 हो गया है। सो ये ऑब्वियसली आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे सकता है, बट ये फीचर्स दिया गया है इसके भरोसे ऑब्वियसली मत रहना। इसके अलावा भी आप स्लीप डेटा ट्रैक कर सकते हो एंड ब्रेथ कंट्रोल एक्सरसाइज भी आप यहाँ से कर सकते हो। सो अभी मैं जल्दी से इसका कॉल फीचर्स भी देखा जाता हूँ, इसके लिए आपको लेफ्ट से राइट की तरफ स्वैप करना है एंड यहाँ पर पहले आपको डायल पैड देखने के लिए मिलेगा, यहाँ से आप किसी भी नंबर डायल कर सकते हो एंड उससे कॉल कर सकते हो एंड आप साउंड देख सकते हो जो कि काफी लाउड है
एंड यहाँ पर आपको म्यूट करने का एंड वॉल्यूम को डिक्रीज करने का, इंक्रीज करने का एंड डिस्कनेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। कॉल स्विचिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया है। यहाँ पर आप कॉल हिस्ट्री देख सकते हो एंड यहाँ पर से डायरेक्ट आप कॉल लगा सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर कोई कॉल स्विचिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया है। एंड ऑल्सो यहाँ से कॉन्टैक्ट्स देख सकते हो, जो भी कॉन्टैक्ट आप अपने फोन के ऐप के थ्रू सेट करके रखोगे वही कॉन्टैक्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। सो यहाँ से भी आप डायरेक्ट कॉल लगा सकते हो। स्पीकर लाउड है एंड माइक्रोफोन भी काफी अच्छा है। सो अभी मैं आपको माइक्रोफोन का भी साउंड सुनाया। दोस्तों अभी जो साउंड आपको मिल रहा है ये मेरा घड़ी स्मार्ट वॉच से मिल रहा है। सो आप देख सकते हो साउंड इतना पास आके अगर बात करूंगा तो कैसा साउंड आपको देगा। एंड यहाँ पर अगर मैं घड़ी को रखूंगा तो कैसा साउंड आपको देगा आप देख सकते हो। तब देख सकते हो साउंड क्वालिटी कैसा है। ओके सो डिजाइन वाइज वॉच काफी अच्छा है। नीचे की तरफ आपको बेजल थोड़ा सा ज्यादा देखने के लिए मिल जाएगा। अदरवाइज 1.7 इंच का डिस्प्ले काफी अच्छा क्वालिटी है। डिस्प्ले का रेजोल्यूशन भी काफी अच्छा है एंड ऑल्सो ब्राइटनेस भी काफी अच्छा है। इसे आप धूप में बाहर पहन के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉलिड है डिजाइन, कूल लुकिंग है, स्ट्रैप भी काफी अच्छा है। ओके सो बैटरी बैकअप की बात करते हो आपको काफी अच्छा है। यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप देखने के लिए मिल जाएगा। कॉलिंग के साथ 4 से 5 दिन आप आराम से चला सकते हो एंड विदाउट कॉलिंग 6 से 7 दिन आपका इजिली चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो बैटरी के मामले में काफी अच्छा यहाँ पर स्मार्ट वॉच देखने के लिए मिलेगा। बट जो दिक्कत मेरे को लगी कि ये वाला स्मार्ट वॉच का जो यूआई है वो भी कॉपीड है, यानी बहुत सारे स्मार्ट वॉच यही यूआई को कॉपी करता है। एंड फायरवॉल का रिसेंटली जितने भी स्मार्ट वॉच देखोगे सारे में सेम यूआई के साथ आ रहा है। दूसरे और थोड़ा सा 2-3 चीजें मेरे को लगा कि इसमें कमी है एंड जो यूआई है वो थोड़ा सा जो है लैगी है, उतना स्मूथली नहीं काम कर पा रहा है। अदरवाइज यहाँ पर आपको क्रॉसबीट का प्रोप्राइटरी जो ऐप है वो भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो ये 2-3 चीज मेरे को दिक्कत वाली देखने के लिए मिले। अदरवाइज द स्मार्ट वॉच इज गुड इन दिस बजट रेंज। अगर ये वाला स्मार्ट वॉच आपको 2000 रुपए के अंदर देखने के लिए मिल रहा है देन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज मार्केट में और भी कई सारे स्मार्ट वॉच है जो कि इससे भी अच्छा परफॉर्म करता है, इससे भी अच्छा उसमें यूआई वगैरह दिया हुआ है एंड काफी सारे फीचर्स इससे भी अच्छे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड वो 2000 से 2500 या फिर 3000 के रेंज में देखने के लिए मिल जाएगा। आप एक बार ऑब्वियसली प्राइस को कंसीडर कर लेना अगर आप इस वाले स्मार्ट वॉच के साथ आ रहे हो तो। ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कोई भी डाउट रहे, सवाल रहे, सजेशन रहे, यू कैन राइट इट डाउन इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।